गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बच्चों हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट वन। आज की क्लास में बच्चों हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट टू डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये एनसीईआरटी में सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसको बच्चों हम पार्ट्स में अच्छे से पढ़ेंगे। स्पीड फास्ट रहेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स नीट के कंप्लीट करने, लेकिन संपूर्ण तरीके से, मतलब हम एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा भी कवर कर रहे हैं और उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाती है। तो चलिए बच्चों आज भी स्टार्ट करते हैं द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट टू। एज यू ऑल नो मी, माई सेल्फ डॉक्टर कृषिका तनेजा, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल सो दैट यू कैन अचीव 340 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जाम। So students, what are the key features of the Sampoorn series? Sampoorn series के key feature हैं बच्चों, यहाँ पे सभी teacher यार लगे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप बच्चे लोग 340 plus marks gain कर सकें। Sampoorn series में बच्चों हम NCERT line by line cover कर रहे हैं, plus extra जहाँ भी ज़रूरत है वो cover कर रहे हैं। 11-12 दोनों की NCERT cover करी जा रही है। टॉपिक्स बियॉन्ड एनसीईआरटी भी कवर करे जा रहे हैं, जो टॉपिक काम के नहीं हैं, जो टॉपिक ज़्यादा काम के हैं, जिन पे पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जिन पे पीवाईक्यूज आ सकते हैं, उन सबको सेग्रीगेट करके आपको दिया जाएगा। पीडीएफ जो है बच्चों, जो भी हम पढ़ाते टाइम आपके लिए डायग्राम्स बनाएंगे या ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा डायग्राम्स पुट कर रखे हैं, वो आपको मार्क पीडीएफ एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे बच्चों आपको। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। लिंक जो है इट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बच्चों। दिस इज द सीरीज बाय डॉक्टर्स एंड फॉर डॉक्टर्स। जैसे कि बच्चों हम संपूर्ण सीरीज के अंदर ये चैप्टर्स जो कवर कर चुके हैं वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, फूड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों हम सेल चैप्टर पे हैं। कल हमने सेल पार्ट वन कवर करा था, आज की क्लास में बच्चों हम सेल पार्ट टू कवर करेंगे। सेल बच्चों हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा है, बिकॉज आपको जैसे कि पता है ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में 8.4 तक के टॉपिक्स तो कवर कर ही लिए थे, दैट इज पार्ट वन। और बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसको हम फर्दर टू पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। तो बच्चों ऐसा सब फ्लो रहने वाला है। अब जो भी बच्चों हम पढ़ाएंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ पीवाईक्यूज हम भी चैप्टर के एंड में कवर करेंगे और बाकी पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएंगे, आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो फैकल्टी संपूर्ण सीरीज में आपको पढ़ाएंगी वो है मैं, दैट इज डॉक्टर कृषिका तनेजा। मुझे बच्चों 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर्स बनने में हेल्प करी है। साथ ही साथ बच्चों हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल सर, वो MBBS हैं, MD हैं, FIPM हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 196 थी। सर को भी 10+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और सर ने भी बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनने में हेल्प करी है। साथ ही साथ बच्चों जो ईसरल का कंप्लीट सिस्टम है, जो भी ईसरल के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, उनको तो पता ही होगा कि कितना प्रॉपर पर्सनलाइज बच्चों की केयर करी जाती है। यहाँ पर बच्चों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स विद एनिमेशन एंड 3D इमेजेस। तो बच्चों इस बात का याद रखा जाता है कि कुछ भी चीज़ आपको रटनी ना पड़े, क्योंकि जो एडवांसमेंट लाइफ में लाना चाहिए, पुराने लोग जो कॉपी पेन पे पढ़ते थे उससे कुछ नया करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा यहाँ पे जोर नहीं डालना पड़े और चीज़ें भी समझ आ जाए। तो बच्चों इस चीज़ का बहुत भरपूर तरीके से ध्यान रखा गया है कि बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। हम लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत ज़्यादा हम प्री मेहनत करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, जिससे आपके लिए हम स्टडीज़ जितनी हो सके आसान बना सकें, लर्न बाय फन, ठीक है। अब साथ ही साथ शीट प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं, टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, रिव्यू टेस्ट होते हैं,
पर्सनलाइज टाइम टेबल दिया जाता है, हर एक बच्चे का अपना खुद का टाइम टेबल होता है, डेली रूटीन होता है, स्कूल्स के टाइमिंग्स उसके अलग होते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से पर्सनलाइज टाइम टेबल होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबके स्कूल्स अलग अलग है, सबका टाइम टेबल अलग अलग है, तो उनका फुल डे का जो टाइम टेबल है वो भी पर्सनलाइज होना चाहिए। डाउट सॉल्विंग दी जाती है बच्चों और मेंटरशिप दी जाती है। साथ ही साथ बच्चों हमारे साथ हैं फिजिक्स की फैकल्टी, दैट इज सरांश गुप्ता सर। सर को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सर तो ऐसा पढ़ाते हैं कि फिजिक्स का दीवाना बना देते हैं। सर बच्चों आईआईटी बॉम्बे से हैं, सर की ऑल इंडिया रैंक 41 थी। केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं प्रतीक गुप्ता सर, सर भी आईआईटी बॉम्बे से हैं और सर बहुत अच्छा आप लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स साथ ही साथ यहाँ पे जो मेंटरशिप है, थ्री लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, यहाँ पे फोर लेयर डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करी जाती है, और इस प्रकार से कुछ आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप बच्चों को कुछ भी चीज़ रटनी ना पड़े, हर चीज़ आप समझ जाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में ला पाए। सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल कवर करा था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें किंगडम मोनेरा आता है, दैट इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब एग्जाम्पल्स हमने कल देखे थे। जो इनके पास बच्चों न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं होता है प्रॉपर, मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के पास में, इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है कॉल्ड प्लाज्मिड, और प्लाज्मा मैम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ, दैट इज साइटोप्लाज्म की तरफ इनवेजिनेट होता है टू फॉर्म मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे थे, लाइक रेस्पिरेशन, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन। सो ये तो हुआ बच्चों कल की क्लास का शॉर्ट रिव्यू, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रू सेल को, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं द ट्रू सेल यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव सेल है, तो जो मोस्ट प्रिमिटिव किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आता है उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जैसे कि एडवांस टाइप का सेल है, तो वो बाकी के किंगडम्स, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, इन सब में यूकैरियोटिक सेल हमें देखने को मिलेगा। सो प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं थे, तो एक ही कंपार्टमेंट के अंदर सबकी सब फ्रीली मूव कर रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे पहले के टाइम में शादी में जाते थे तो कैसे एक हॉल के अंदर सब मिलके रहते थे, स्टे करते थे वो पर्टिकुलर मैरिज अटेंड करने के लिए, तो कुछ वैसा ही प्रोकैरियोटिक के केस में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों हमें प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है। जैसे हम अगर रूम्स अपना घर बनवाते हैं तो दादी दादाजी का कमरा अलग होता है, मम्मा पापा का कमरा अलग होता है, बच्चों का कमरा अलग होता है, तो अगर ऐसा हो तो इसे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमें यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यूकैरियोटिक सेल के पास में स्टूडेंट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर एनवलप के साथ, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों न्यूक्लियर मैमब्रेन नहीं थी। इसके एडिशन में यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। सो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है बच्चों सीलिया फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला, जिसमें से फ्लैजेला जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी लोकोमोशन का कार्य कर रहा था, और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल एंड फिलामेंट्स, ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के रूप में जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो सेल को का शेप जो है वो मेंटेन रखते हैं, वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं।
देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. तो बच्चों इनका जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड है, जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंस्ड. जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंस्ड एंड इट इज कंडेंस्ड टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम, ऐसा वाला जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, वो कंडेंस्ड फॉर्म कहलाता है. ठीक है, तो कंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं. ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल. सब यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो एक समान नहीं होते हैं. प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पजेस सेल वॉल. अब देखो प्लांट के पास एक्स्ट्रा क्या होता है, सेल वॉल होते हैं, प्लास्टिड्स होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. जबकि एनिमल सेल में भी कुछ ऐसा है जो प्लांट सेल में एब्सेंट है. एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. तो बच्चों चलिए जरा डिफरेंस चार्ट डिस्कस करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में. डिफरेंस चार्ट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल जो है वो लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल जनरली स्मॉलर होते हैं. प्लांट सेल जो होते हैं बच्चों, उनके पास में इनर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और आउटर सेल वॉल पाया जाता है विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. जबकि एनिमल सेल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बस सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है. ठीक है, सो यहां पे डबल लेयर है, यहां पे सिंगल लेयर है. थर्ड पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, नो एनिमल सेल पजेस प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स बच्चों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. प्लास्टिड्स का एग्जांपल ही क्लोरोप्लास्ट है. तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. तो फोटोसिंथेसिस एनिमल सेल में तो होता नहीं है, तो उनमें प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट. फोर्थ डिफरेंस, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ परमानेंट लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल. प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, बीच में वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल को थोड़ा कोने में सरका देता है न्यूक्लियस. ठीक है, डायग्राम के जरिए मैं आपको यही बात समझाती हूं बच्चों. देखो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आप देखो वैक्यूल कितना बड़ा है, तो न्यूक्लियस को उसने थोड़ा कोने में सरका दिया. वहीं एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और वैक्यूल कोने कच्चे में बड़े होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एब्सेंट हो. ठीक है, तो वैक्यूल स्मॉल होते हैं, मे और मे नॉट प्रेजेंट, लेकिन सेंट्रली प्लेस्ड क्या होता है यहां पे, न्यूक्लियस. यहां पे न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड है, जबकि यहां पे वैक्यूल लार्ज और सेंट्रली प्लेस्ड है प्लांट सेल में. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बच्चे लोगों, नेक्स्ट डिफरेंस बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, प्लांट सेल हैव मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गॉल्जी एपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम. तो बच्चों प्लांट सेल के पास में जो गॉल्जी बॉडी होती है उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, जबकि एनिमल सेल के केस में हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गॉल्जी एपरेटस होता है. गॉल्जी को गॉल्जी एपरेटस बोलते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में गॉल्जी एपरेटस को डिक्टियोसोम कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होते हैं, जबकि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होते हैं. सेंट्रियोल जो होता है बच्चों, ये 90 डिग्री में अरेंज होता है. जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. तो ये सिर्फ एनिमल सेल के केस में ही हमको मिलता है, इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ डिफरेंस, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेल प्लेट इज फॉर्म टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म. जबकि एनिमल सेल के केस में सेल डिवीजन के वक्त फरो फॉर्मेशन होती है. ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है बच्चों.
अब क्या होता है, प्लांट सेल के पास में बच्चों आउटर में मौजूद एक रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो रिजिड सेल वॉल है, इसके कारण वो अंदर नहीं घुस के फरो नहीं बना सकती, तो बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के वक्त। ये सेल प्लेट जब बन जाती है, ये हम सेल डिवीजन में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना करो। तो सेल प्लेट बनता है तो वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है प्लांट सेल, ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल होने के कारण वो बेचारा फरो नहीं बना पाता, तो सेल प्लेट के माध्यम से वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जबकि एनिमल सेल के केस में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है जिसे हम फरो फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हम डिटेल में सेल डिवीजन चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि प्लांट सेल का सेल डिवीजन सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जबकि एनिमल सेल का सेल डिवीजन फरो फॉर्मेशन के द्वारा होता है। अब बच्चों डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी का डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो जैसे कि बच्चों हमने डिफरेंस पढ़ा और एनसीईआरटी की थ्योरी में भी डिफरेंस पढ़ा, तो हम एक एक करके सभी लेबलिंग्स के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि प्लांट सेल के पास में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के पास में क्या पाई जाती है बच्चों, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल के केस में एब्सेंट होती है। और बच्चों सेल दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल और मिडिल लैमेला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सेल वॉल जो होता है बच्चों, वो फॉर इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट सेल बर्स्टिंग, सेल बर्स्टिंग नहीं होने देता है ये। साथ ही साथ बच्चों ये सेल का प्रॉपर शेप मेंटेन करके रखता है। मिडिल लैमेला जो है बच्चों वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और ये दो सेल के बीच में सीमेंटिंग का काम करता है, दो सेल के बीच में सीमेंटिंग का काम करता है। फिर हम अंदर आते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, अंदर आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों। लिपिड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और साथ ही साथ बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ऑलिगोसैक्राइड्स भी पाए जाते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस जो है बच्चों वो डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाएगा, वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेगा, दैट इज कंडेंस्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। न्यूक्लियस जो है बच्चों वो न्यूक्लियर एनवेलप से प्रोटेक्टेड है। न्यूक्लियोलस जो है उसका काम होता है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना। सब एनसीईआरटी में अंदर गिवन है, बस थोड़ा सा हम एक डायग्राम का ओवरव्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों नेक्स्ट ऑर्गेनल पे आते हैं, तो मैंने आपको बताया था सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, उसको हम टोनोप्लाज्म कहते हैं और बाहर जो लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल जो है बच्चों वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है प्लांट सेल के केस में, ये भी हमने डिफरेंस में पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ही बाउंडेड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास में आप देख पा रहे हैं सर गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर्स अटैच्ड है, दैट आर राइबोसोम्स,
तो अगर राइबोसोम्स अटैच होंगे, राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर राइबोसोम नहीं है तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना। साथ ही साथ बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन बच्चों वही होता है कि जैसे कुछ टॉक्सिक पीपल का ग्रुप है जिसमें हम थे और हम उनमें से निकलकर अलग हो गए, तो वी हैव, हमने टॉक्सिक लोगों को अपने से दूर कर दिया। तो बच्चों उसी प्रकार से कुछ टॉक्सिसिटी को रिमूव करना इज डिटॉक्सिफिकेशन। नेगेटिविटी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे उसके लिए, लेकिन बायोलॉजी की लैंग्वेज में टॉक्सिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी रिमूव करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, ठीक है। बीच बीच में से फनी एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों तो याद रहता है फिर आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों हम, ये जो मैंने अभी आपको बताया वैक्यूल के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अब मैं आपको लाइसोसोम और गॉल्जी बॉडी के बारे में बताऊंगी। ये चारों मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं गिवन इन एनसीईआरटी। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लाइसोसोम पे। लाइसोसोम जो होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर एसिडिक एनवायरमेंट पाया जाता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, वैक्यूल बता दिया, लाइसोसोम बता दिया, अब चौथा बच रहा है दैट इज गॉल्जी एपरेटस। तो ये रहा गॉल्जी एपरेटस। गॉल्जी एपरेटस जो होता है स्टूडेंट्स, उसका मेन फंक्शन होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड बनकर आ रहे हैं उसकी पैकेजिंग करना। तो मेन फंक्शन होता है इसका पैकेजिंग करना गॉल्जी एपरेटस का, ठीक है। तो पैकेजिंग करके ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है। जैसे अब मेरा काम था कि कोई भी हमारे घर में एक ओकेजन है, बर्थडे है किसी का, मेरा काम था गिफ्ट लाना, और मेरी सिस्टर का काम था उसकी पैकेजिंग करना। वही हुआ बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस करके रिलीज कर रहा है, लेकिन उनको पैकेजिंग करने का काम, उन्हें प्रॉपर एंजाइम्स हॉर्मोन्स में कन्वर्ट करके रिलीज करने का काम गॉल्जी एपरेटस का होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लाज्मोडेस्मेटा। दो सेल के बीच के कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जैसे ये सेल वन है और ये सेल टू है, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा ना कि कंटेंट एक्सचेंज हो पाए, उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। क्वेश्चन आता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है या मेम्ब्रेनस कनेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल पे। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एनसीईआरटी के पैराग्राफ में बताया था कि ये एंडोस्केलेटन होते हैं जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परोक्सीसोम्स। परोक्सीसोम्स जो है परोक्सीसोम्स जो है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। परोक्सीसोम्स के बाद आता है स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही तो मेन, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि साइटोप्लाज्म जो है वो मेन अखाड़ा है, मेन एरिया है जहां पर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है, सेलुलर रिएक्शंस है वो होती हैं। सो साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स प्लास्टिड का टाइप था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट्स,
वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर और वो ग्रीन कलर का होता है। राइबोसोम जिसका फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच भी पाया जाता है और फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्टूडेंट्स, उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्योंकि उसका मेन फंक्शन एटीपी जनरेशन में है, मेन फंक्शन इसका एटीपी जनरेशन में है। तो बच्चों ये थोड़ा बहुत डायग्राम के लेबलिंग के ऊपर हमने चर्चा करी है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स में एक बात और आपको बताना चाहूंगी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कल हमने बच्चों डिफरेंस देखा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70S 80S दोनों टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म में मिलता है वो 80S टाइप का राइबोसोम होता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड मिलता है वो 70S टाइप का होता है। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें उनका खुद का राइबोसोम मिलेगा, लेकिन 70S टाइप, लेकिन मेनली जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स एनिमल सेल पे। एनिमल सेल के पास सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी, एक तो यहाँ पे आपको जो ऊपर आपने क्लोरोप्लास्ट देखा वो भी आपको एनिमल सेल में नहीं दिखेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया है वो है माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। देयर इज नो सेल वॉल इन केस ऑफ एनिमल सेल। यहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल, विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला है, एंड इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है। पेरोक्सिसोम हमने ऊपर भी देखा, लाइसोसोम हमने ऊपर भी देखा, राइबोसोम हमने ऊपर भी देखा, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा, आरईआर भी देखा, साइटोप्लाज्म भी देखा, न्यूक्लियस भी देखा, न्यूक्लियोलस भी देखा, न्यूक्लियर एनवेलप भी देखा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी एपरेटस भी देखा। तो हमने जो नहीं देखा वो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, दैट इज माइक्रोविलाय एंड सेंट्रियोल। बाकी दोनों में स्ट्रक्चर्स कॉमन है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है और वैक्यूल या तो कोने कच्चों में होगा या हो सकता है एब्सेंट भी हो, जबकि प्लांट के केस में वैक्यूल सेंट्रली प्लेस्ड था। ठीक है, तो ये आप उम्मीद है मेरे साथ प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली समझ गए होंगे। अब हम बच्चों इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों हम सेल एनवेलप के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। देखो बच्चों 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही बच्चों सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा जा सका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑन ह्यूमन आरबीसी एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों आरबीसी सेल के ऊपर स्टडी चल रही थी तब तक बढ़िया तरीके से। आरबीसी सेल ही क्यों लिया गया, बिकॉज आरबीसी सेल के अंदर बच्चों डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उसे गैस कैरी करनी होती है, तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होने के कारण आरबीसी सेल को लिया गया कि आसानी से सेल मेम्ब्रेन अच्छे से दिखे और उसी पे ही कंसंट्रेट किया जा सके। ये सब ट्रैफिक जो है सेल ऑर्गेनल्स का, क्योंकि वो आरबीसी सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, these study showed that cell membrane is mainly composed of lipids and protein. तो बच्चों studies से पता चला कि cell membrane lipids की बनी है, protein की बनी है, आगे बच्चों आगे के paragraph में आएगा
कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। दैट इज ऑलिगोसैक्राइड, है ना। तो दी स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लेकिन अभी एनसीईआरटी की स्टार्टिंग लाइन में लिपिड और प्रोटीन ही गिवन है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाय लेयर। जो मेजर लिपिड्स हैं वो किस टाइप के बच्चों, फॉस्फोलिपिड टाइप के, मतलब फॉस्फोरस ग्रुप अटैच्ड है उनमें। सो मेन लिपिड आर फॉस्फोलिपिड्स जो कि बाय लेयर में अरेंज्ड हैं। दैट आर अरेंज इन अ बाय लेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मैम्ब्रेन विद द पोलर हैड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कि जो पोलर हेड होती है वो टूवर्ड्स द आउटर साइड होती है और जो, सो दिस इज पोलर हेड एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, और ये टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग, इसलिए उसको एक्वस एनवायरनमेंट से पोलर हेड ने प्रोटेक्ट कर रखा है। और ये बाय लेयर है तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अरेंज थी टेल टेल एक दूसरे की साइड और हेड हेड बाहर की साइड, मतलब एक तरफ से तो हेड आउटर एनवायरनमेंट को कवर, आउटर एनवायरनमेंट को फेस करेगा, एक तरफ से हेड जो है स्टूडेंट्स वो आउटर एनवायरनमेंट को फेस करेगा और एक तरफ से जो हेड होगा वो साइटोप्लाज्म को फेस करेगा। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है बच्चों फॉस्फोलिपिड का, आउटर साइड एंड हाइड्रोफिबिक हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर साइड। दिस इंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल, जो नॉन पोलर टेल है, टेल नॉन पोलर है, उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले वाटर से। ठीक है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड बाय एक्वस एनवायरमेंट। पानी से हाइड्रोफोबिक टेल को बचाने के लिए, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल को बचाने के लिए पोलर हेड और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और बच्चों यहां पर कहा गया है नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो नॉन पोलर टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। सो दिस नॉन पोलर टेल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सिंगल बॉन्ड वाले। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, माने सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं होते हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्ड वाले ही होते हैं। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मैम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। देखो अब एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बता दिया गया है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट सेल मैम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी आ ही गया। ठीक है, सो ये मैंने ऑलरेडी आपको फोर कंपोनेंट्स बता दिए थे, तो हम कह सकते हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मैम्ब्रेन, कंपोनेंट ऑफ सेल मैम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट थे सेल मैम्ब्रेन पे। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं बच्चों। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी जो होता है कोलेस्ट्रॉल बच्चों वो जमता है, हाई डेंसिटी वाला गुड होता है, इट इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें HDL तो चाहिए ही चाहिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या हाई डेंसिटी लिपिड्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन लो डेंसिटी वाला जो है वो जमता है हमारे ब्लड वेसल्स में और एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है।
पता है मुझे कि ये सेल चैप्टर से नहीं है, लेकिन बच्चों क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी टर्म जैसे बायोमोलिक्यूल्स में कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को समझा रखा है, तो थोड़ा बहुत मैं चैप्टर्स को अपन लिंक करेंगे ना, तो बार बार रिवीजन के द्वारा आपको पूरी एनसीईआरटी जो है संपूर्ण तरीके से याद हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एलडीएल और एचडीएल पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है वो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी भी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ डिस्कवरीज के बारे में जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। फर्स्ट जो था स्टूडेंट्स वो आया था सैंडविच और ट्रायलैमिलर मॉडल 1935 में बाय डैनियल एंड डेविसन। डैनियल और डेविसन ने बच्चों सबसे पहला मॉडल दिया था, दैट इज सैंडविच और ट्रायलैमिलर मॉडल। ट्रायलैमिलर इसलिए बोला क्योंकि तीन लेयर में ये अरेंजमेंट था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सैंडविच है तो सैंडविच का फोटो दिखाया मैंने आपको, मुंह में पानी आ गया होगा ना, ठीक है। तो सैंडविच मॉडल जो था वो किसने दिया था, डैनियल और डेविसन ने दिया था। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। इन द ईयर 1935 ये फर्स्ट मॉडल था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा रहा था। इसके अंदर इस मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों वो ट्राई लेयर की बनी होती है, तीन लेयर की बनी होती है, सेम एज सैंडविच। जैसे हमने दो ब्रेड के बीच में चीज की लेयर रख दी, उस हिसाब से अरेंजमेंट होता है। तो जो दो ब्रेड की लेयर है वो प्रोटीन की बनी हुई है, दिस इज वन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज अदर लेयर ऑफ प्रोटीन, और बीच में बाय लेयर लिपिड की मौजूद है, माननी उसको एक लेयर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज लिपिड बाय लेयर एंड आसपास प्रोटीन है, तो ऐसा ट्राई लेयर स्ट्रक्चर है, थ्री लेयर इन विच बाय मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविच बिटवीन टू सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। सो ये फर्स्ट मॉडल आया था बाय डैनियल एंड डेविसन टू एक्सप्लेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल और ट्राई लैमिलर मॉडल। उसके बाद में बच्चों आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये सेकेंड डिस्कवरी थी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो 1959 में आया था बाय रॉबर्टसन। इस मॉडल के हिसाब से चाहे सेल की सेल मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो, वो सब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक समान दिखती है। सो दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। तो ये कहा था, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी बहुत कुछ डैनियल और डेविसन के मॉडल की तरह ही कहा था, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है और जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली एक समान होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आई थी, दैट इज फ्लूइड मोजैक मॉडल। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का ही स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है फ्लूइड मोजैक मॉडल का। इसके हिसाब से प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर में अरेंज होते हैं इन द मोजैक पैटर्न, मोजैक पैटर्न में अरेंज है, इसलिए इसका नाम था फ्लूइड मोजैक मॉडल। और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी होती है, इसीलिए फ्लूइड वर्ड का यूज किया गया, मोजैक फॉर्म में अरेंज है इसलिए मोजैक वर्ड का यूज किया गया, मिला के बन गया फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मोजैक मॉडल जो था स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था, इनके साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी में भी गिवन है। फॉस्फोलिपिड लेयर जो है बच्चों, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो है उनके पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स है, जिसके कारण फॉस्फोलिपिड्स के पास में फ्लूइडिटी होती है, सो विच आर लिक्विड इन नेचर। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन पे, जिसमें सेल मेम्ब्रेन को क्लियरली बताया गया। उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। सबसे पहले लिपिड पे आते हैं, तो सेम वही जैसा हमने अभी ऊपर एनसीईआरटी में पढ़ा कि पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है, टेल टेल एक दूसरे की तरफ फेस करती हैं, तो ये बाय लेयर टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो पोलर हेड जो होती है वो आउटर साइड में होती है और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ होती है। हाइड्रोफोबिक टेल को पानी से बचाने के लिए पोलर हेड बाहर की तरफ पाई जाती है।
प्रोटीन स्टूडेंट्स दो प्रकार के मिलते हैं, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। चलिए जरा डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूं। देखो ये है इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब पूरी तरह से एम्बेडेड प्रोटीन्स को इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, और जो सिर्फ सरफेस पे अरेंज है ऐसे प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये भी कंप्लीटली एम्बेडेड हो सकते हैं या पार्शियली एम्बेडेड हो सकते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, कंप्लीटली और पार्शियली। तो फर्स्ट है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि पेरिफेरी ऊपर ऊपर से अरेंज है, ठीक है, और इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो पूरे सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं। अब वो पूरी तरह भी धसे हुए हो सकते हैं और पार्शियली भी धसे हुए हो सकते हैं। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर बाहर ही लगे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट में ऑलिगोसैक्राइड्स आता है, शुगर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म। तो बच्चों आपने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में तो पता ही होगा, सुना ही होगा आपने तो, कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के बने होते हैं। ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी जो हमारी बॉडी है वो पहचान सकती है खुद के सब्सटेंस को और फॉरेन सब्सटेंस को, और रिएक्ट कर सकती है उस तरह से। और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो है प्रोटीन लिपिड का, ये भी फिक्स नहीं है। तो बच्चों ये जो रेशियो होता है प्रोटीन इज टू लिपिड का, वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है अलग अलग सेल में। जैसे यहां पर एनसीईआरटी के अंदर आरबीसी का एग्जांपल लिया है और उन्होंने कहा है कि प्रोटीन 52% और 40% लिपिड पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन इज टू लिपिड का जो रेशियो है वो वेरी करता है, और साथ ही साथ आरबीसी का उन लोगों ने एग्जाम्पल दे रखा है आपको एनसीईआरटी ने, कि आरबीसी में प्रोटीन जो है वो 52% मिलता है और लिपिड जो है वो 40% मिलता है। सो एक एग्जांपल दिया है आरबीसी का, बिकॉज आरबीसी सेल के ऊपर ही मेनली स्टडी करा गया था जब हमने सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने करी थी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। तो बच्चों मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में अंदर तक धसे रहते हैं उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और जो बाहर बाहर ही लगे रहते हैं उन्हें हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये इस प्रकार से कंप्लीटली भी धसे हुए हो सकते हैं या फिर पार्शियली भी धसे हुए हो सकते हैं, जैसा कि आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो ये पार्शियल का एग्जांपल हो गया, ये कंप्लीट का एग्जांपल हो गया। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर ही मिलते हैं, वाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। यही बात मैं कब से कह रही हूं कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पूरी तरह भी धसे हुए हो सकते हैं और आधे भी धसे हुए हो सकते हैं। तो पूरी तरह तो कम टोटली बरीड और आधे तो पार्शियली बरीड। सो स्टूडेंट्स ये पेरिफेरल प्रोटीन है, थोड़ी लेबलिंग बच्चों गड़बड़ हो गई है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है। और पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट या शुगर अटैच्ड है, ठीक है। सो ये लेबलिंग गलत हो गई है, ये शुगर अटैच्ड है। सो दिस इज शुगर, अगर लेबलिंग आएगी नीट एग्जाम में। सो ये येलो कलर के आप जो बॉल्स देख सकते हैं ये शुगर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है क्योंकि ये कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है, कंप्लीटली और पार्शियल एम्बेडेड नहीं है, सिर्फ सरफेस पे पाई जा रही है। दिस इज द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसपे वो पाई जा रही है, इसलिए इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। फिर बच्चों मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और जो हमारी ये अरेंजमेंट है हेड और टेल के फॉर्म में वो फॉस्फोलिपिड का होता है। तो बच्चों ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ बच्चों कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है। सो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो ये हमारा फ्लूइड मोजैक मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है।
फ्लूइड मोजैक मॉडल के हिसाब से सेल मैम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी होती है, मोजैक फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड फॉर्म में लिपिड अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ दिस बायलेयर हेड और टेल पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट जो हाइड्रोफिलिक होता है पोलर हाइड्रोफिलिक, जबकि जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और नॉन पोलर होता है, टेल टेल एक दूसरे को फेस करती हैं। तो एक तरफ जो हेड है पोलर हेड है वो एक तरफ तो एनवायरमेंट को फेस करेगा और वहीं दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म को फेस करेगा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों फ्लूइड मोजैक मॉडल के थ्रू ही हमें पता चलता है कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन फर्दर या तो टोटली एम्बेडेड हो सकते हैं या फिर पार्शली एम्बेडेड हो सकते हैं। तो फ्लूइड मोजैक मॉडल हमें सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो आते हैं बच्चों अब एनसीईआरटी की थ्योरी पे। एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंगर और निकोलसन ने स्टूडेंट्स फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया था जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। तो बच्चों बाकी के जो दो मॉडल मैंने आपको बताए दैट इज यूनिट मैम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल, वो दोनों मॉडल रिजेक्ट कर दिए गए थे। फ्लूइड मोजैक मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू और जो हमने डायग्राम पढ़ा वो भी फ्लूइड मोजैक मॉडल का ही है। इस मॉडल के हिसाब से लिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड होता है, वो फ्लूइडिटी शो करता है। एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर, द एबिलिटी टू मूव विद इन द मैम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो लिपिड का नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब उसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने के कारण वो लिक्विडिटी शो करता है जिस कारण से आसानी से मूवमेंट पॉसिबल है। अब मूवमेंट भी थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी बच्चों मैं, मूवमेंट जो होता है सेल मैम्ब्रेन में क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण वो दो प्रकार का हो सकता है, लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। लेटरल मूवमेंट जो होता है बच्चों वो लेटरल शब्द ही बता रहा है कि साइड में होगा, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट मतलब जैसे यहां हूं मैं तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मैं यहां आ गई, और फ्लिप फ्लॉप मतलब तो पूरा इधर से इधर होना, ठीक है, मैम्ब्रेन के अंदर इधर से इधर हो जाना, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड ने लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन अलाउ करा विद इन द ओवरऑल बायलेयर एंड एबिलिटी विद इन द मैम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मैम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ। तो बच्चों ये जो फ्लूइडिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लूइड नेचर होता है मैम्ब्रेन का, जो फ्लूइड नेचर होता है मैम्ब्रेन का वो एक सेल को सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करता है, सीक्रीशन में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एक्सेट्रा। So, the fluid nature of cell membrane help the cell in cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. अभी endocytosis क्या है? तो बच्चों cell के through movement होते हैं substance के. अगर cell के अंदर कुछ भी चीज आएगी तो उसे हम endocytosis कहेंगे. ये जो substance था ये अंदर आ गया है तो इसे हम endocytosis कहेंगे. कुछ मूवमेंट्स होते हैं सेल मैम्ब्रेन के थ्रू, वहीं बाहर जाएगा कुछ भी तो उसे हम एग्जिट दैट इज एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो अगर सॉलिड सब्सटेंस अंदर बाहर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर लिक्विड जा रहा है अंदर लिक्विड तो उसे हम पिन्नोसाइटोसिस कहेंगे, पी रहा है सेल कुछ तो पिन्नोसाइटोसिस कहेंगे,
कुछ टाइप के मूवमेंट होते हैं जो कि सेल मैम्ब्रेन ऑफर करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. तो प्लाज्मा मैम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन में. द मैम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. मैम्ब्रेन जो है, सेल मैम्ब्रेन जो है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब फ्रीली परमिएबल नहीं है, हर किसी को नहीं आने देती है, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही आने देती है. ऑफ सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मैम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. देखो भैया, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन बताया है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन विया और थ्रू सेल मैम्ब्रेन. अब इसमें अगर एनर्जी का खर्चा नहीं होगा तो उसे हम पैसिव कहेंगे, और अगर एनर्जी का खर्चा होगा तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे. नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहां पे एनर्जी एक्सपेंडिचर. Towards concentration gradient. अब एनर्जी लगानी इसलिए पड़ रही क्योंकि अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. पैसिव के अंदर बच्चों फर्दर सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है. मतलब कुछ तो बच्चों फ्रीली इधर उधर चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है. और कुछ को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है तभी वो अंदर आ सकते हैं. तो इफ द मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्चा होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, पैसिव के अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, टूवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है. पैसिव फर्दर दो टाइप की होती है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है लेकिन एनर्जी का खर्चा नहीं होता है. और वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ये भी गिवन है इस पैराग्राफ में. तो चलो अब ये फ्लो चार्ट से तुमको ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा. चलो, द मैम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मैम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. जब एनर्जी का खर्चा नहीं होगा तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे. न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मैम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, पैसिव में अब सिंपल डिफ्यूजन आता है जो कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है. यही बताया यार मैंने तुम्हें, है ना. चलो नेक्स्ट, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, टूवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो उसे हम टूवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं. वॉटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मैम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ वॉटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, लेकिन वॉटर के मूवमेंट को हम डिफ्यूजन नहीं ऑस्मोसिस कहेंगे. ठीक है, तो ऑस्मोसिस वर्ड वॉटर के लिए यूज किया जा रहा है. As the polar molecule can't pass through the non-polar bilipid layer, polar molecule मतलब वो water soluble है, तो वो lipid bilayer को बेचारे नहीं पास कर पाते, तो उन्हें carrier protein की जरूरत पड़ती है. ठीक है, carrier protein की मदद से अगर transport facilitate होता है तो ऐसे type के movement को हम facilitated
ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया है, नाम नहीं दिया लेकिन समझाई वही लाइन है, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कैरियर प्रोटीन के माध्यम से होगा तो इसे हम फैसिलिटेटेड बोलेंगे, ठीक है। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मतलब लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई, लो टू हाई। तो ऐसे मूवमेंट में एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें पंप्स आते हैं जनरली, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप। तो ये तो हुआ भैया सेल मेम्ब्रेन और उसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। उम्मीद है आपको सेल मेम्ब्रेन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के केस में ही पाया जाता है, आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है। सेल वॉल जो होता है बच्चों, सेल वॉल जो होता है बच्चों वो प्लांट्स के केस में सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल फॉर द प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर में भी डिवाइडेड है और टर्शियरी लेयर भी किसी किसी सेल्स में पाई जाती है जैसे ट्रैकेट्स। तो चलिए बच्चों सेल वॉल समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट लाइन है सेल वॉल की कि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, कॉल्ड सेल वॉल। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। तो फंजाई और प्लांट्स के केस में सेल वॉल पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग बनाता है। सेल वॉल जो है बच्चों उसके लिए आपको याद रखना है कि इट इज नॉन लिविंग रिजिड प्रेजेंट इन केस ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब सेल वॉल जो है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है, ये सेल वन है और ये सेल टू है। पहले जरा डायग्राम और इस चार्ट को समझेंगे, फिर एनसीईआरटी की थ्योरी को यू कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये सेल वन है, ये सेल टू है। सेल वन जो है बाहर की तरफ बच्चों प्राइमरी वॉल पाई जाती है, अंदर की तरफ थिक सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। देखो सेकेंडरी वॉल भी लेयर्स में है, तो मतलब थिक कौन सी हुई, सेकेंडरी वॉल। तो ये इनर है, एक तो प्राइमरी के अंदर है सेकेंडरी वॉल, थिक है, इसमें सेल्यूलोस कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू हैमी सेल्यूलोस। एज कंपेयर टू हैमी सेल्यूलोस सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोस कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू हैमी सेल्यूलोस। साथ ही साथ बच्चों सेकेंडरी वॉल जो है वो नॉट सपोर्ट मच सेल ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन जो होता है ना, जो रैपिड सेल डिवीजन है वो प्राइमरी वॉल के केस में, अकेली अगर प्राइमरी वॉल होती है तो उस केस में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं मेरिस्टमैटिक सेल्स की बात करूं तो उनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल ही पाई जाती है, तभी वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। बिकॉज प्राइमरी वॉल जो होती है बच्चों वो आउटर होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल इलास्टिक होती है और इसमें हेमी सेल्यूलोस का कंटेंट ज्यादा होता है। हेमी सेल्यूलोज इज मोर एज कंपेयर टू सेल्यूलोज। सेल वन और सेल टू के बीच में एक सीमेंटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं और कभी कभार बच्चों टर्शरी वॉल भी पाई जाती है एज इन केस ऑफ ट्रैकेट्स। या दो सेल के बीच में बच्चों एक सीमेंटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं, जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। चलिए अब बच्चों सेल वॉल की कंपोजिशन जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, सेल वॉल की कंपोजिशन बच्चों सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन, मैंने उसे पॉइंट्स में कवर कर दिया है। अल्गी के केस में सेल वॉल
सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चलिए मेरे साथ बोलिए, अल्गी के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं बच्चों प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोस, सेल्यूलोस दोनों में कॉमन है बस, ठीक है। फिर हैमी सेल्यूलोस, पैक्टिन्स और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये तीन चीजें इसमें अलग है, इसमें भी ये तीनों चीजें अलग हैं। तो मेनली आपको सेल्यूलोस तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो अलग है वो याद रखना है कि अल्गी की सेल वॉल में गैलेक्टिन, मैनेंस और मिनरल आ जाता है, जबकि प्लांट की सेल वॉल में हैमी सेल्यूलोस, पैक्टिन्स और प्रोटीन एक्स्ट्रा आ जाएगा और सेल्यूलोस दोनों में कॉमन है। जब भी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब सेल वॉल कवर करते हैं बाय एनसीईआरटी थ्योरी। सेल वॉल का काम क्या होता है? ये सेल वॉल शेप देती है सेल को, सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। सेल वॉल का काम क्या होता है बच्चों? एक तो ये आकार देती है सेल को, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से, और प्लाज्मोडेस्माटा भी बनवाती है, ठीक है। सो प्लाज्मोडेस्माटा सेल के, दो सेल के बीच का कनेक्शन होता है जिसके बारे में घुमा फिरा के बात करी गई है। सो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूवमेंट होगा, तो हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में लिखा है उसे सिम्प्लास्ट कहते हैं, सिम्प्लास्ट मूवमेंट। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? आकार देना सेल को, फिर दूसरा फंक्शन है सेल वॉल का कि मैकेनिकल डैमेज से बचाना, कुछ इन्फेक्शियस सब्सटेंस से बचाना, और सेल टू सेल इंटरेक्शन कराना विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अल्गी की सेल वॉल काई की बनी होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल, मैनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं प्लांट की सेल वॉल काई की बनी होती है, सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस, प्रोटीन एंड पैक्टिन, ठीक है ना। सेल वॉल, जब यंग प्लांट सेल जो होती है उसमें प्राइमरी वॉल जो है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, ठीक है, और वो इमैच्योर लेयर पाई जाती है विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर, और उसके अंदर थिक सेकेंडरी वॉल आ जाती है टूवर्ड्स द मैम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। मैंने आपको ऑलरेडी अरेंजमेंट दिखा दिया है। द मिडिल लैमेला जो दो सेल के बीच में पाई जाती है वो मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, और दो सेल के बीच में सीमेंटिंग या ग्लू स्ट्रक्चर टाइप होता है। द डिफरेंट नेबरिंग सेल टूगेदर, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसपोज्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा पे क्वेश्चन आज आ सकता है कि इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन और मैम्ब्रेनस कनेक्शन, तो इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम पे। एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम आज और पढ़ लेते हैं पूरा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अब बच्चों पढ़ते हैं एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम जो है बच्चों वो बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, गॉल्गी एपरेटस का, वैक्यूल का और लाइसोसोम का। तो ये जो चार ऑर्गेनल हैं वो मिलके बनाते हैं एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं एनसीईआरटी के। तो ये एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, लाइसोसोम एंड गॉल्गी एपरेटस, ठीक है। तो गॉल्जी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड वैक्यूल, दीज आर द फोर ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड इन एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम।
सो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप से ही बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी लिया है साथ में, बिकॉज न्यूक्लियर एनवेलप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में देखिए आप, गॉल्जी बॉडी पाई जाती है, ये सीक्रेटरी वेसाइकल्स रिलीज करती है, लाइजोसोम्स, वैक्यूल और गॉल्जी एपरेटस, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसा बोला जाता है बच्चों कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पूरा जाल की तरह फैला हुआ है, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, सेल के बाहर कुछ भी सामान आपको ट्रांसपोर्ट करना है, सो इट इज बाय द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एनसीईआरटी की लाइन, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, that is ER, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. यही चार structures मैंने आपको already बताए। Since the function of mitochondria, chloroplasts, peroxisomes are not coordinated, इनका function coordinated नहीं है, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं, जबकि इन चार ऑर्गेनल्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, दैट इज ईआर, गॉल्जी बॉडी, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, सो दे आर टुगेदर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। विद द अबोव कंपोनेंट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में फर्स्ट ऑर्गेनल आता है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो हमें एक नेटवर्क ऑफ और रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, विच इज मेड अप ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेंस ईआर। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से स्कैटर्ड होता है और न्यूक्लियर एनवेलप से ही वो स्टार्ट हो जाता है, इसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जाल की तरह अरेंज है ये, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इट इज स्कैटर्ड लाइक अ नेटवर्क और रेटिकुलम, रेटिकुलम शब्द का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क की तरह, जाल की तरह बिछा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर, न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच्ड इवन, सो दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट कॉल्ड ल्यूमिनल इनसाइड द ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, दैट इज साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। देखो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल की तरह पूरे सेल में फैला हुआ है, तो यहां से पूरा फैला हुआ है, तो इसके अंदर जो होगा उसे हम ल्यूमिनल कहेंगे और जो इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे, सो दिस इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्ट्रक्चर, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाएगा उसे हम ल्यूमिनल कहेंगे। तो ईआर के कारण जो सेल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ल्यूमिनल मतलब ईआर के अंदर वाला पार्ट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब उसे हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म वाला रीजन, और ईआर के अंदर वाला रीजन ल्यूमिनल। इनसाइड ईआर, चलिए नेक्स्ट, ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ठीक है, तो ईआर के पास कभी कभी, ये देखो आप देख पा रहे हो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स अटैच हैं विच इज कॉल्ड राइबोसोम, तो अगर ये राइबोसोम अटैच होंगे तो इस टाइप के ईआर को हम आरईआर कहते हैं, क्योंकि इनके अटैचमेंट के कारण सरफेस रफ हो जाती है, सो इसीलिए वहां से नाम आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर। सो द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, लेकिन अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो वो स्मूथ लगेंगे और उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एसईआर कहेंगे। आरईआर जो है इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रीशन। तो बच्चों जो आरईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैचमेंट के कारण, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना और सीक्रीशन करना।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं है तो उसका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अगर हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूटी शो करता है। देखा आपने, इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूक्लियस एनसीईआरटी ने भी बताया और हमने हमारे डायग्राम में भी न्यूक्लियस को लिया था। सो न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूटी होती है, दिस इज न्यूक्लियस। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो कि हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टेरॉइड्स हार्मोन के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल है स्टेरॉइड हार्मोन्स के जो हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मतलब लिपिड नेचर के हार्मोन्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स गॉल्गी एपरेटस पे। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करा, अब उसकी पैकेजिंग गॉल्जी बॉडी करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रॉ सब्सटेंस दिया है गॉल्गी एपरेटस को, अब गॉल्गी एपरेटस उसकी पैकेजिंग करके कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाएगा जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। पीवाई की क्वेश्चन है कैमिलो गॉल्जी के ऊपर। 1898 में इन्होंने सबसे पहली बार डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करा था। डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था नियर द न्यूक्लियस विच वॉज नॉट अदर देन बट गॉल्गी एपरेटस। इसीलिए उनका नाम कैमिलो गॉल्गी से ही आया है। देयर दीज वॉज लेटर नेम्ड एज गॉल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो बच्चों कुछ इस प्रकार की सिस्टर्नीज मिलती है हमें गॉल्गी बॉडी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दीज आर द ट्यूबुलर सिस्टर्नीज। देखिए लेबल भी करा हुआ है एनसीईआरटी में, सिस्टर्नी कहते हैं इसे हम। दीज जो कि आपस में पैरेलली अरेंज है, आपने देखा एक दूसरे के पैरेलल है। इनका नंबर जो है वो वैरी करता है, वैरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नीज आर प्रेजेंट इन गॉल्गी एपरेटस। गॉल्गी सिस्टर्नीज आर कंसेंट्रिकली अरेंज, आपने अगर देख पा रहे हो आप तो ऐसे कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है इनका नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। और इनके दो डिस्टिंक्ट फेस होते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है, दो फेस हैं इनके पास में, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। देखो अब इसे आप कैसे याद रखोगे, ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। अब ये रॉ मटेरियल हो गया, अब ये जाएगा गॉल्गी एपरेटस के पास में। अब गॉल्जी के भी दो फेस होते हैं, ठीक है, सिस फेस और ट्रांस फेस। तो पहले सिस फेस में एंट्री होगी, सिस फेस से एंट्री होगी, क्योंकि सिस फेस जो है उसे हम इमैच्योर फेस बोलते हैं या फिर कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। सिस से जो मटेरियल है वो मैच्योर होके सिंथेसाइज होके ट्रांस फेस से रिलीज होगा जो कि मैच्योरिंग फेस है, ठीक है, या फिर कॉनकेव फेस है। तो यार ये सब तीन तीन वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, सिस फेस कॉन्वेक्स फेस, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, कॉनकेव फेस, ठीक है, इसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं।
तो इसको आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो, सी एफ वैक्स करके, ठीक है, मतलब सिस फॉर्मिंग वैक्स, कॉन्वेक्स होता है वो, तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनानी पड़ेगी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो गॉल्गी के सिस फेस से एंट्री होती है और फिर पैकेजिंग होके ट्रांस फेस से निकलता है। जैसे समझ लो यहां से लिपिड प्रोटीन आए तो उसको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बना के ट्रांस फेस से गॉल्गी रिलीज करेगी। देखो ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस से अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से रिलीज होगा, सिस फेस से एंट्री होगी, सिस फेस दैट इज कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं इसे हम, और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। और ये है बच्चों ट्रांस फेस, जहां से मैच्योर होके सब्सटेंस रिलीज होगा, इसीलिए इसे मैच्योरिंग फेस कहा जाता है, ठीक है, या फिर कॉनकेव फेस कहा जाता है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, इसमें वैक्यूल और लाइसोसोम अभी मिसिंग है। ठीक है, वहां पे सिस फेस के बारे में बता ही दिया था पीछे वाले पेज पे, अब ट्रांस फेस पे आते हैं, कॉनकेव फेस, ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस, तीन नाम इसके भी हैं, ठीक है। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ठीक है, सिस और ट्रांस फेस बिल्कुल अलग है लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड है। गॉल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मेन काम है गॉल्गी बॉडी का पैकेजिंग करना, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रा सेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो या तो ये सेल के अंदर ही रिलीज होती है तभी इंट्रा सेलुलर वर्ड का यूज किया गया है, या फिर सेल के बाहर आउटसाइड द सेल ये पैकेज्ड मटेरियल रिलीज होते हैं। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम द ER फ्यूजेस विद द सिस ऑफ द गॉल्जी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। यही मैंने आपको ऑर्डर समझाया बच्चों कि जो मटेरियल जो पैकेज होना है वो वेसिकल्स के फॉर्म में आया है ER से और वो फ्यूज होगा, पहले सिस फेस से एंट्री होगी उस रॉ मटेरियल की, और वो सिस फेस से जब एंट्री हुई तो गॉल्जी एपरेटस के अंदर उस मटेरियल की पैकेजिंग होगी प्रॉपर और वो फाइनली रिलीज होगा ट्रांस फेस से या मैच्योरिंग फेस से। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गॉल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन। देखा इनका फंक्शन आपस में कितना कोऑर्डिनेटेड है। अब आप खुद सोचो कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी दूर दूर होते तो रॉ मटेरियल पहुंचाने में कितना टाइम लग जाता। ये सेम वही बात हुई बच्चों, अगर प्रिंसिपल का ऑफिस और स्टाफ रूम पास पास होगा तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा। अगर प्रिंसिपल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वह स्टाफ रूम से फटाफट टीचर को बुला सकती है, लेकिन अगर दूर दूर होगा तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो फंक्शन जिनका कोऑर्डिनेटेड होता है उनका एक सिस्टम बना दिया गया है जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस और लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं। This explains why Golgi apparatus remains in close association with ER. The number of proteins synthesized by the ribosome, protein synthesized होता है RER से और lipid synthesized होता है SER से, वो modify होता है, modification कहाँ पे होगा, modify होगा in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the maturing or trans phase. Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipid. ठीक है, तो जो raw materials हमें endoplasmic reticulum से मिल रहे हैं students, that is lipids and protein, उसको ही packaging करके mature phase से glycoprotein और glycolipids release होते हैं। अब आते हैं students second endomembrane system के third organelle पे, that is lysosome. लाइसोसोम जो होता है स्टूडेंट्स वो सिंगल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम जो है स्टूडेंट्स उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूं। ये लाइसोसोम है बच्चों, लाइसोसोम के अंदर जो पीएच होता है वो लगभग 4.5 से 5 की रेंज में होता है, मतलब एसिडिक पीएच यहां पे देखने को मिलता है। एसिडिक एनवायरमेंट होता है यहां पे बच्चों। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, दीज आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम,
जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेज। तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। अब लाइसोसोम्स के भी टाइप होते हैं, वो पहले हम एनसीईआरटी की थ्योरी में टाइप्स नहीं दिए हैं, पहले हम एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करते हैं, फिर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्स्ट्रा। तो चलो आते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी पे। दीज आर मैम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मैम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्जी एपरेटस। गॉल्जी एपरेटस के द्वारा, पैकेजिंग के द्वारा लाइसोसोम बनते हैं। देखा कैसे इंटरकनेक्शन है बीच में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं वो गॉल्जी में एंटर करते हैं। गॉल्जी जो है फिर ट्रांसफेस, मैच्योरिंग फेस से ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड पैकेज करके रिलीज करता है। अब गॉल्जी बॉडी से जो बच्चों वेसिकुलर स्ट्रक्चर बने हैं वो ही लाइसोसोम बनाते हैं। दीज आर मैम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्जी एपरेटस। तो गॉल्जी एपरेटस से जो वेसिकल्स बनते हैं उनमें से ही कुछ वेसिकल्स लाइसोसोम बना देते हैं। दैट्स वाई दे आर द मेंबर ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द आइसोलेटेड लाइसोसोम इज फाउंड टू बी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे लाइपेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला और कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्टिमली एक्टिव इन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच में ही ये एक्टिव होते हैं। दैट इज द पीएच इज अराउंड 4.5 to 5। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और बच्चों लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है बिकॉज ही कंप्लीट सेल को भी जो है डाइजेस्ट कर सकता है व्हेन रिक्वायर्ड। सो लाइसोसोम के टाइप्स भी देख लेते हैं बच्चों, विच इज सम एक्स्ट्रा मटेरियल। लाइसोसोम के टाइप्स में आता है पहले प्राइमरी लाइसोसोम जो स्टोरेज का काम करता है, ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है। फिर आता है स्टूडेंट सेकेंडरी लाइसोसोम जो डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफेगोसोम्स भी कहलाता है। सो प्राइमरी लाइसोसोम स्टोर करेगा पहले, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम जो है उसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगा बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो बच्चों डाइजेशन किसी ऑर्गेनल का भी हो सकता है, ऐसे एक प्रकार से लाइसोसोम जो है ना बच्चों वो सेल की सफाई कर रहा है। वैसे कोई ऑर्गेनल है वो मर गया है और साइटोप्लाज्म में पड़ा है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो उसको साफ करने का काम लाइसोसोम का होता है बिकॉज सेल की सफाई भी जरूरी है। हर एक ऑर्गेनल का अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, फिर डाइजेस्ट मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम में वो डाइजेशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। टर्शरी लाइसोसोम और लाइसोम ये देख सकते हैं आप, टर्शरी लाइसोसोम में डाइजेशन फाइनल होता जा रहा है। और फोर्थ टाइप है ऑटोफेजिक लाइसोसोम जिसके अंदर कंप्लीट आप देखेंगे कि पूरा की पूरा ऑर्गेनल ही डाइजेस्ट हो जाता है या पूरा की पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोफेजिक लाइसोसोम। अब आते हैं स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लास्ट ऑर्गेनल ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चों से टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये सेल सैप बनाता है और अंदर जो लिक्विड होता है उसे टोनोप्लाज्म कहा जाता है। तो टोनो वर्ड का यूज होता है वैक्यूल के केस में, आपको याद रखना है। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। ये प्लांट सेल के केस में बड़ा और सेंट्रली प्लेस होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जबकि एनिमल सेल के केस में या तो हो सकता है नहीं भी हो, अगर होता है तो छोटा मोटा होता है, कोने कच्चे में मौजूद होता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट and other material not useful for cell. Vacuole is bound by single membrane called tonoplast. इसकी single membrane होती है जिसे tonoplast कहा जाता है। In plant cell, the vacuole can occupy 90% of the volume. ठीक है? Plant cell के case में centrally located बड़ा सा vacuole होता है, तो 90% जगह घेर लेता है। Plant के case में tonoplast facilitate करता है transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो बच्चों concentration ज़्यादातर आयन का vacuole में ज़्यादा होता है as compared to the outer environment. क्योंकि against concentration gradient मतलब low से high vacuole के अंदर movement होता है, ठीक है? तो बाहर concentration कम है, अंदर concentration ज़्यादा है।
तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, मतलब एक्टिव मूवमेंट होता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन में होता है, जो हमने एक्सक्रीशन चैप्टर में ऑलरेडी कवर करा है। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब सॉल्ट वाटर का बैलेंस मेंटेन रखना, एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं अमीबा जैसे प्रोटिस्ट में, जो कि बनते हैं बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो बच्चों यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम माइटोकॉन्ड्रिया से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपने मेरे साथ सेल पार्ट 2 एंजॉय करा होगा। थैंक यू।